और कबरधा जिला से जिला जेल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के चलते बंदी की सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ में पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है। वहीं फरार आरोपी की सूचना देने वाले 5,000 इनाम देने की घोषणा भी एसपी ने कर दी है। बताया जा रहा है कि कैदी सनी चौरसिया को जिले के थाना कुकदूर के पॉक्सो एक्ट में 31 अक्टूबर 2022 को सरंगपुर थाना फतेहाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया था और कवर्धा जिला जेल में भी बंद था। स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत करने पर 7 नवंबर को जिला अस्पताल में इलाज के लिए उसे दाखिल किया था। गुरुवार की शाम करीब 6 बजे टॉयलेट जाना बताकर के सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर जिला अस्पताल से कैदी फरार हो गया है। ये थाना कोतवाली की घटना है जिसमें एक आरोपी जो कि थाना कुकदूर के एक अपराध में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में यह जेल में निरुद्ध था। इलाज के लिए इसे जिला अस्पताल लाया गया था जहां पे पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और इलाज के दौरान ही बाथरूम जाने के नाम पर वह निकला था, जिसके साथ में गार्ड कमांडर भी गए हुए थे और इसी दौरान वह चकमा देकर वहाँ से मौके से फरार हो गया था। जिला अस्पताल में ये लगभग 7:15 बजे की घटना है जिस समय इस आरोपी हिरासत से भाग गया।